हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बताते हैं आप लोगों को पेंट के बारे में कि कैसे खोला जाता है और कैसे यूज किया जाता है पेंट को। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ओपन किया जाता है। ठीक है, तो ओपन करने का फर्स्ट तरीका है Windows+R। Windows+R जब क्लिक करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है रन ऑप्शन का, और उसमें लिखते हैं हम लोग हैं क्या, MS पेंट। MS क्या लिखेंगे, MS पेंट लिखने के बाद इंटर पे क्लिक करिए या तो ओके क्लिक करिए। जब इंटर या ओके क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस पेंट ओपन हो जाता है। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका चलिए देखते हैं कि विंडो को प्रेस करेंगे, तो प्रेस करेंगे और लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। पेंट लिखने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको इंटर कर देंगे, दोबारा हमारा ओपन हो जाएगा पेंट। ठीक है, चलिए देखिए हमारा ये पेंट ओपन हो गया है। सबसे ऊपर हमारा क्या शो करता है, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या शो करता है, हमारा क्लोज है, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज है। ठीक, और इधर आपका वो टाइटल नाम रहता है, अनटाइटल नेम यहाँ पे शो करेगा और पेंट शो। अगला आपका है नीचे, उसके मेनू बार शो करते हैं। नीचे क्या शो करते हैं, मेनू बार है। देखिए फाइल है, होम है और व्यू। पेंट में कितने बार होते हैं, कौन कौन से, फाइल और होम और व्यू। और नीचे सबसे आ जाइए, ये हमारा होता है ड्राइंग एरिया। क्या होती है, ड्राइंग एरिया। क्या ये हमारी है, ड्राइंग एरिया है। ठीक, उसके नीचे आ जाइए आप, तो हमारा ये क्या होता है, स्टेटस बार होता है। सबसे नीचे हमारा क्या होता है, स्टेटस बार होता है। ठीक है, स्टेटस बार में क्या शो करता है, जूम साइज शो, पेज जूम साइज या जूम स्लाइडर। ठीक है, पेज साइज और स्लाइडर होता है कि हम यहाँ पे अपने पेज की क्या कर सकते हैं, तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे करना चाहेंगे उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ माइनस और प्लस रहता है। देख, यहाँ एक माइनस है और इस साइड हमारा प्लस है। प्लस करेंगे तो हमारी साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और माइनस करेंगे तो हमारी साइज क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। ठीक, अब देखिए इतना हम जानकारी हो गई। अब हम देखते हैं अपना फाइल मेनू में क्या क्या होता है। पहला मेनू हमारा आता है फाइल मेनू। पहला क्या आएगा, फाइल मेनू। फाइल मेनू में आता है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज। न्यू का मतलब नया पेज होता है। अगर हमको न्यू नया पेज लेना रहेगा तो क्या करेंगे, हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा आएगा डू यू वांट टू सेव चेंज, क्या हमको इसको सेव करना है। ठीक, तो डोंट सेव कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नया पेज आ जाएगा। देखिए अभी हम यहाँ पे कुछ बना देते हैं। ठीक, अब हमको लेना है नया पेज, तो क्या करेंगे, न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और डोंट सेव कर देंगे, क्या आ जाएगा, न्यू पेज आ जाता है। ठीक, अगला ऑप्शन इसमें आता है ओपन। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O से क्या होता है, ओपन। कोई भी चीज़ अगर हम सेव किए रहते हैं रिसेंट में या पुरानी डॉक्यूमेंट अगर हमारा इसमें सेव है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो अगर इसमें हम सेव किए रहेंगे तो ओपन कर लेंगे, अगर सेव नहीं किए रहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। चलिए कुछ हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, बना लिए। अब इसको सेव करना, तो सेव करने का क्या तरीका है, Ctrl+S। Ctrl+S करेंगे तो यहाँ फाइल नेम पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं, इस फाइल का क्या नाम देना चाहते हैं। तो फाइल का नाम कुछ भी दे दीजिए, रोहन दे दीजिए, रोहन। रोहन देने के बाद हम लोग क्या इसको करेंगे, सेव कर देंगे। तो देखिए हमारे टाइटल बार में अभी अनटाइटल था, तो अब हमारा क्या नाम से शो करने लगेगा, रोहन नाम से हम सेव किए हैं, तो ये भी क्या करेगा, रोहन नाम से शो करेगा। ठीक, देखिए हमारा रोहन नाम से सेव हुआ है। अब हम क्या करेंगे, न्यू पेज ले लेंगे। क्या करेंगे, न्यू पेज ले लेंगे। न्यू पेज ले लिए, अब हमको पुरानी वाली फाइल को क्या करना है, इसमें ओपन करना है। पुरानी वाली फाइल को हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन खुल गया, और हमारा किस नाम से था, रोहन नाम से, रोहन, रोहन। और क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करिए या तो इंटर क्लिक करिए, यही हम बनाए थे। तो देखिए यही हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक, अगला आते हैं सेव एज। सेव एज से क्या होता है, एक ही चीज़ को हम कई जगह सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेव एज पे क्लिक किए, मान लीजिए एक जगह हमारी सेव है, अब हमको कहाँ सेव करना है, डाउनलोड में, तो डाउनलोड में सेव कर सकते हैं। दोबारा सेव एज करिए जो है, उसके बाद डॉक्यूमेंट में सेव कर दीजिए। कितनी जगह आप सेव करना चाहेंगे वो हम सेव कर लेंगे सेव एज से। ठीक, देखिए पिक्चर में भी सेव कर दीजिए, हो गया। अब हमको देखना है कि हमारा तीनों जगह सेव हुआ है कि नहीं, तो क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, Ctrl+O से शॉर्टकट की होती है, ओपन हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट में है, पिक्चर में है, तीनों जगह रोहन नाम से है कि नहीं। जितनी जगह हम सेव करना चाहेंगे उतनी जगह क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब कोई भी एक जगह से डिलीट करेगा या दो जगह से डिलीट करेगा, लेकिन एक जगह तो हमारा पड़ा ही रहेगा। वैसे अगर सेव करेंगे तो केवल एक जगह सेव होता है, और उसको डिलीट कर देंगे तो दोबारा हमारा नहीं मिलता। लेकिन सेव एज कर देंगे तो जितनी जगह सेव करेंगे उतनी जगह से अगर डिलीट कर देंगे तो एक आध जगह क्या रहेगा, पड़ा रह जाता है। ठीक। प्रिंट आता है, प्रिंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमको प्रिंट करके निकालना। ठीक है, देखिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे, या तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, Ctrl+P होती है, तो जो भी हमारा रहेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको प्रिंट पे लगा देते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी प्रिंटर लगा रहेगा वही क्या होगा, प्रिंट होके पेज निकल जाएगा जो भी हम प्रिंट करना चाहेंगे। ठीक। अगला आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जब इस पर हम क्लिक कर देंगे, जो भी हम यहाँ पे बनाए रहेंगे, जो भी आर्ट यहाँ पे हम बनाए रहेंगे, क्रिएट किए रहेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड पे इसके लग जाएगा। देखिए बना देते हैं और भी, ठीक, कलर कर देते हैं, कलर भी कर दें। अब हमको देखना है कि ये इसके बैकग्राउंड के डेस्कटॉप पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, सेट एज बैकग्राउंड डेस्कटॉप है कर दीजिए। ठीक, देखिए सेव हुआ है कि नहीं देखना हमको, देखिए इधर हमारा सेव हो गया है कि नहीं, डेस्कटॉप पे लग गया वॉलपेपर। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे वॉलपेपर बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। सेट एज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक, और भी अगर लगाना इमेज तो और इमेज ले लीजिए, जितना भी इमेज चाहिए उतना इमेज ले सकते हैं हम। इमेज लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वही हम कलर कर दीजिए और क्या करिए, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यस बैकग्राउंड पे लग जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला ऑप्शन क्या आता है ये देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी, अगर हमको इसकी प्रॉपर्टीज देखना है कि क्या क्या इसमें ब्लैक एंड व्हाइट करना है, कि कलर लेना है, ठीक है, सब कुछ हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि ये कलर था कि ब्लैक एंड व्हाइट था। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं। एग्जिट का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। देखिए एग्जिट पे हम क्लिक किए तो हम अपने पेंट से क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक, पेंट से हम क्या किए, बाहर आ गए। ठीक, दोबारा एग्जिट करेंगे दोबारा बाहर चले जाएंगे, जितनी बार हम एग्जिट करेंगे, एग्जिट का मतलब ही होता है बाहर निकलना। ठीक, दोबारा ओपन करते हैं Windows+R MS Paint, ओपन हो गया। ठीक, में सब हो गया। अब अगला ऑप्शन आता है, अगला मेनू आता है होम मेनू। अगला क्या मेनू आएगा, होम मेनू। होम मेनू में क्या क्या है, कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट किस में आता है, क्लिपबोर्ड में आता है। किस में आएगा, क्लिपबोर्ड में हमारा क्या क्या आता है, कट कॉपी और पेस्ट। चलिए देखते हैं कट कॉपी पेस्ट से क्या होता है। पहले एक हम यहाँ पे कोई भी ड्रा कर लेते हैं, ड्राइंग एरिया हम अपने ड्रा कर लेते हैं, और इसका क्या करेंगे, कलर भी कर देते हैं, कर दिए। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना, हमको इसको हमको कट करना। मान लीजिए हमको इसको क्या करना है, कट करना। कट करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ देखिए तीनों हमारा क्या हाइड है, पेस्ट भी, कट भी और कॉपी भी, तीनों हाइड है। जब तक इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा ये क्या नहीं होगा, कट कॉपी नहीं हो सकता। ठीक, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे उसके साइड में क्या दिया, सेलेक्ट दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली की को प्रेस किए रहिए और उसको सेलेक्ट कर दीजिए। जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए कट और कॉपी जो है क्या करेगा, शो करने लगेगा, लेकिन पेस्ट अभी भी नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब तक हम लोग कट और कॉपी नहीं करेंगे तब तक हमारा पेस्ट नहीं शो करता। अभी हम कट कर देते हैं तो देखिए यहाँ हमारा क्या कर रहा है, पेस्ट शो कर रहा है कि नहीं, पेस्ट शो करने लगा। अब हम पेस्ट कर देते हैं, देखिए आ गया, आ गया ना। ठीक, कट कर दे रहे हैं, कट गया, पेस्ट में शो होने लगा, पेस्ट कर देंगे, देखिए आ गया। ठीक, कट से क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लिखे रहेंगे या कोई भी चीज़ ड्रा किए रहेंगे उसको हमारा कट करते हैं। ठीक है, कट करने से क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप से हमारा हट जाता है। ठीक, कॉपी से क्या करता है, उसी का डुप्लीकेट या उसी का हूबहू बना के दे देता है। ठीक है, अब कॉपी करना है तो कुछ नहीं, इस पर सेलेक्ट करिए और कॉपी कर दीजिए। कॉपी करने के बाद अब पेस्ट कर दीजिए, हम उसी तरीके का आ गया कि नहीं आ गया।
ठीक, दोबारा पेस्ट करिए, जितनी बार हम पेस्ट करना चाहेंगे उतनी बार क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जितनी भी बार हम पेस्ट करेंगे उतनी बार हमारा पेस्ट होता चला जाएगा। ठीक, कट कॉपी पेस्ट समझ में आ गया, सेलेक्ट भी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है, काटना। क्रॉप का मतलब काट देना। ठीक, जितनी दूर चाहिए उतनी दूर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जितनी क्रॉप करना है क्रॉप कर दे, देखिए कट गया कि नहीं कट। ठीक, जितनी भी साइज हमको चाहिए काट के उतनी साइज हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। रिसाइज का मतलब होती है इसकी साइज क्या छोटी या बड़ी करना हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में, तो हम क्या कर सकते हैं, रिसाइज को बड़ी या छोटी कर सकते हैं। ठीक, बड़ी या छोटी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बड़ी कर, देखिए बड़ी हो गई साइज। ठीक, छोटी या बड़ी साइज हम कहाँ से कर सकते हैं, रिसाइज से। रोटेट क्या होता है, रोटेट का मतलब घुमाना, जिस साइड हमको चाहेगा उस साइड हमारा क्या कर देगा, ये रोटेट कर देगा। कहाँ गया रोटेट, ठीक नीचे आ गया सबसे नीचे। ठीक, फ्लिप करना है फ्लिप कर दे, सबसे ऊपर आ जाइए। ठीक है, जैसे भी चाहेंगे वैसे हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आता है टूल्स मेनू। टूल्स में क्या होता है, देखिए पेंसिल है, पेंसिल से क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी अगर हमको लिखना हुआ। ठीक है, पेंसिल से हम क्या करते हैं, अच्छा छोटे से थे जब नर्सरी एलकेजी में, तो पेंसिल से हम लोग क्या करते थे, कोई भी चीज़ हम लिखते थे। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी ड्रा करना हो या लिखना हो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर चेंज करना हो तो कलर पे चेंज करेंगे, जो कलर लेंगे उसी कलर से हमारी पेंसिल क्या करेगी, चलेगी। पहले आती थी ना पेंसिल कलर वाली, उसी प्रकार इसमें भी जो भी कलर हमको चाहिए वो कलर हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, अगला आता है फिल विथ कलर। ठीक है, इस पे कलर पे कोई भी कलर अगर फिल करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस पे क्लिक कर देंगे, वो हमारा फिल हो जाएगा कलर। ठीक है, बाल्टी जिसको कहते हैं, बाल्टी का रंग। ठीक, जिस पे भी क्लिक करके और क्लिक कर देंगे हमारा वो क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। अगला आता है इरेजर। इरेजर से क्या होता है, अगर हमको इरेज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, और इरेजर को बड़ा करना है तो कंट्रोल और क्या करेंगे, प्लस को, प्लस वाली की को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इरेजर बड़ा हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो हमारा इरेजर क्या होता है, छोटा होता है, कंट्रोल प्लस से इरेजर बड़ा होता है। ठीक, अगला आता है टेक्स्ट। अगर हमको कोई टेक्स्ट भी लिखना पड़ गया, मान लीजिए टेक्स्ट लिखना पड़ गया, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक, किससे लिखेंगे, टेक्स्ट से। ठीक, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जितनी साइज चाहिए उतनी साइज हम ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, लिख लेंगे। ब्लैक कलर चाहिए, ब्लैक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, जो भी नाम रहेगा लिख सकते हैं, और कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हमारा सेव हो जाएगा। ठीक, अगला आता है ब्रश। क्या आएगा, ब्रश। ब्रश से क्या होता है, जैसा भी ब्रश चाहिए, मोटा पतला अलग अलग प्रकार के ब्रश आते हैं, जो भी ब्रश चाहिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्रश ले सकते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के हमारे क्या हैं, ब्रश हैं। ठीक, अगर कलर बदलना है ब्रश के तो इधर कलर भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रश से बदल सकते हैं, अलग अलग आ जाएंगे, जो भी कलर हमको चाहिए हम उस कलर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं, कलर ले सकते हैं, ब्रश भी बदल सकते हैं, यहाँ से ब्रश भी बदलिए, जो भी ब्रश लेना है आपको वो ब्रश ले लीजिए। ठीक, आगे आता है शेप्स। शेप्स में क्या होता है कि शेप्स जैसा आकृति, जैसी भी आकृति हमको लेनी रहेगी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैसी आकृति ले सकते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार की बहुत सारी इसमें आकृति हैं, जो भी आकृति लेना होगा हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आकृति ले सकते हैं। देखिए ठीक, जैसा भी चाहिए, और नीचे जाएंगे तो और नीचे मिलेगा, जैसा भी आपको बनाना होगा वैसी आकृति हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, अब इसको हमको कलर करना होगा, मान लीजिए आकृति तो ले लिए, शेप्स ले लिए, अब शेप्स लेने के बाद हमको इसका कलर भी करना है, तो कलर कैसे होगा, बाल्टी वाले पे क्लिक करेंगे, या फिल कलर विथ कलर बोलते हैं इसको। ठीक, इस पे क्लिक करिए और जो भी कलर चाहिए उस कलर को चूज करके और इसमें क्या करिए, लाके फिल कर दीजिए, जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर को क्या करिए, लाके इसमें फिल कर देते। देखिए ठीक, कलर हो गया शेप। अब देखिए आता है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट
बाहर की जो लाइन होती है वही हमारी क्या होती है, आउटलाइन। अगर आउटलाइन हमको लेना है, देखिए अलग अलग प्रकार की इसमें क्या दी है, आउटलाइन दी है, नो आउटलाइन। अगर आउटलाइन नहीं लेनी है तो पहले एक काम करते हैं, पहले कलर करते हैं, ठीक। कलर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नो आउटलाइन पे शेप्स लीजिए। शेप्स लेने के बाद क्या करना है, नो आउटलाइन कर देते हैं और हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देते हैं, ठीक। आउटलाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देखिए आउटलाइन शो कर रही है यहाँ, नहीं शो करेगी। जब तक हम आउटलाइन नहीं लेंगे तब तक बाहर की हमारी लाइनिंग क्या करेगी, शो नहीं करेगी। दोबारा हम क्या करते हैं, आउटलाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आउटलाइन ले लिए, आउटलाइन शो करने लगा, ठीक। अब जैसा भी चाहिए आउटलाइन हमारा, देखिए अलग अलग प्रकार से मार्कर तरीके का लेना है, ऑयल तरीके से लेना है, सॉलिड कलर चाहिए, जो भी कलर से चाहिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। अगली है साइज। साइज का क्या होता है, मतलब हमको मोटा चाहिए कि पतला चाहिए, अलग अलग इसकी क्या होती है, साइज होती है, ठीक। देखिए पेंसिल कलर लीजिए, पेंसिल देखिए ये सबसे पतला, और इससे मोटा चाहिए तो सबसे मोटे पर क्लिक करिए। साइज देखिए पेंसिल का आकार कुछ मोटा हुआ, ठीक। और उससे पतला करना तो देखिए और भी पतला हुआ, और भी पतला करना। जैसी साइज हमको चाहिए पेंसिल की आगे की, वैसी साइज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। आगे आता है कलर। कलर अभी तो कलर बता ही दिए हैं, जो भी कलर आपको लेना रहेगा यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, वो कलर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। जो भी कलर लेना हो उस कलर पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, वो कलर हमारा क्या करेगा, ले लेगा, ठीक। देखिए अगर हम इस कलर पे क्लिक करते हैं तो ये कलर ले लेगा, अगर इस कलर पे क्लिक करेंगे तो ये कलर ले लेगा। जो भी कलर पे क्लिक करेंगे वो कलर हमारा क्या हो जाता है, फिल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, कलर लीजिए और बाल्टी वाले पे क्लिक करिए और क्या करिए, वहाँ पे ले जाके क्लिक कर दीजिए, जहाँ पे कलर करना हो वहीं पे हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे, देख ठीक कलर बदल गया सब, जैसा भी कलर चाहिए वैसे कलर पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर दीजिए, ठीक। आगे आता है एडिट कलर। एडिट कलर का मतलब होता है अगर और भी कलर बनाना हो हमको, कोई अगर अलग कलर बनाना हो तो क्या करेंगे, उस पर क्लिक करके और ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए नीचे आ जाएगा, जो भी कलर हमको बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, एडिट कलर पे जाएंगे और जो भी कलर बनाना हो उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसा भी चाहिए कलर, ठीक। कलर करने के बाद ऐड कस्टम कलर, ओके। देखिए यहाँ नीचे खाली वाले पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए और कलर पे क्लिक कर दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, कलर लग जाएगा, ठीक। अब आते हैं व्यू मेनू, ठीक। व्यू मेनू में क्या क्या होता है, व्यू का मतलब होता है दिखाना, छुपाना, हाइड करना या शो करना, ठीक है। व्यू का मतलब होता है हाइड करना या शो करना। देखिए जूम इन है और जूम आउट है। जूम इन का मतलब अभी तो हम बताए हैं कि स्टेटस बार में जूम इन और जूम आउट भी शो करता है। जूम इन करेंगे तो जो हमारी पेज की साइज रहेगी वो हमारी क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। जूम आउट करेंगे तो हमारी पेज की साइज क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। देखिए सबसे कम हो गई, और सब जूम इन करेंगे और क्या होगी हमारी, ये जूम की साइज, पेज की साइज हमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जूम आउट करेंगे तो पेज की साइज कम होती चली जाएगी, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारा कितना होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा 100 जूम साइज होता है। बाय डिफॉल्ट पेज की जूम साइज कितनी होती है, 100 होती है। जब बाय डिफॉल्ट 100 पे क्लिक कर देंगे तो कितना भी बढ़ाए रहेंगे या कितना भी कम किए रहेंगे, जूम इन या जूम आउट कितना भी किए रहेंगे, अगर 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उसी पे जाएगा, ठीक। अब देखिए आता है शो और हाइड। शो और हाइड, दिखाना और छुपाना, ठीक। रूलर लाइन, रूलर लाइन हमारी यहाँ शो करने लगेगी। ग्रिड लाइन होती है, ग्रिड लाइन शो करने लगेगी। स्टेटस बार है, ठीक। अगर स्टेटस बार को हमको शो या हाइड करना है तो क्या करेंगे, हम स्टेटस बार को शो और हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड हो गया, स्टेटस बार लगा दिए, शो करने लगा, हाइड हुआ, शो किया, ठीक। रूलर लाइन को हटाना है तो रूलर लाइन पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूलर लाइन हाइड हो जाएगा। और अगर रूलर लाइन को शो कराना है तो रूलर लाइन पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ग्रिड लाइन हटा दीजिए, ग्रिड लाइन लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए आता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन क्या होता है, जो भी हम इस पे इमेज बनाए रहेंगे या जो भी ड्राइंग किए रहेंगे उसको हमको फुल स्क्रीन पे देखना है। किस पे देखना है, फुल स्क्रीन पे। तो क्या करेंगे, फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो पूरी स्क्रीन भरी है, क्या करेगा हमारा,
आएगा। देख फुल स्क्रीन दिखा रहा कि नहीं, ठीक फुल स्क्रीन दिखा रहा है। अगर हमको दोबारा क्या करना है, बैक जाना है, जिस बैक जाना है तो क्या करेंगे, स्किप पे स्किप की होती है उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक ESC। जब स्किप की को प्रेस करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बैक आ जाते हैं, ठीक। स्किप की फुल स्क्रीन करिए दोबारा एक बार करके देखते हैं, फुल स्क्रीन पे क्लिक करिए तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरी स्क्रीन पे हमारे डेस्कटॉप के पूरी स्क्रीन पे हमारा क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा जो भी हम ड्राइंग किए रहेंगे, ठीक। दोबारा बैक जाना है तो स्किप की को प्रेस करिए, ठीक है। आज की क्लास बस इतना ही, और की क्लास अब अगले दिन।